बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के सत्ता में आने पर भाजपा नेताओं के ऊपर हो रहे हमले और हत्याओं के विरोध में सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, जिसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा पर हो रहे हमले को लेकर सिंगरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सांसद रीति पाठक सहित सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के इस सांकेतिक प्रदर्शन पर विपक्षी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे सत्ता पक्ष द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बताया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने सरेआम प्रदर्शन करके कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए जिला प्रशासन को इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कल प्रभारी मंत्री जी का जिले में आगमन हुआ था, आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में जिले के समस्त विधानसभा के विधायकगण, सांसद महोदया, कलेक्टर महोदय एवं समस्त अधिकारीगणों के समक्ष यह बैठक ली गई। इस बैठक में सिंगरौली जिले में बेतहाशा बढ़ते कोविड 19 के मरीजों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि 4 मई से लेकर के 15 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम थे, सब पर रोक लगा दी गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा यह सख्त आदेश जारी किया गया कि जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम हैं, समस्त कार्यक्रमों को निरस्त किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रदेश के अंदर कोरोना इतना व्यापक स्तर पर फैल रहा है, महामारी फैली हुई है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है और लोग जनता देश की तरह इतना ही मचा हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो उसका रिजल्ट आया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से सफाया हुआ। उसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।